नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भटनी ब्लॉक से रनिया देवी विजयी हुई, समर्थकों ने फूलमालाओं से किया स्वागत। रनिया देवी पत्नी रामशंकर ने किया क्षेत्र में विकास का वादा, सभी बीडीसी प्रत्याशियों को दी जाएगी प्रमुखता। शनिवार को 16 ब्लॉक पर परिणाम घोषित होते ही विजयी हुए प्रत्याशियों को उनके समर्थकों द्वारा फूलमालाओं से स्वागत किया गया तथा जीते हुए प्रत्याशियों के चेहरे पर मुस्कान दिखी, वहीं हारे हुए प्रत्याशियों पर निराशा रही। देवरिया ब्लॉक प्रमुख पद के जीते प्रत्याशी, देवरिया सदर ब्लॉक से भाजपा के पवन गुप्ता जीते, लॉर्ड ब्लॉक से अनुभा सिंह जीती, निर्दल भटनी ब्लॉक से रनिया देवी, सपा भागलपुर ब्लॉक से मुन्नी लाल, भाजपा सलेमपुर ब्लॉक से सीमा सिंह, भाजपा भलुवनी ब्लॉक से छठू यादव, निर्दल देसी, देवरिया ब्लॉक से प्रज्ञा तिवारी, भाजपा बैतालपुर ब्लॉक से चंदा देवी, भाजपा बरहज ब्लॉक से सीमा पासवान, भाजपा भाटपार रानी ब्लॉक से सोनमती देवी, सपा देवरिया में भाजपा 12 ब्लॉक प्रमुख जीते, 2 निर्दल और 2 सपा प्रत्याशी विजयी हुए। देवरिया से मृत्युंजय प्रसाद की रिपोर्ट। आपकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख चुनी गई हैं और आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भटनी ब्लॉक की जनता से अपील करना चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं कि पिछले काम जितने अधूरे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करा करके नई कार्ययोजना की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और 2022 का मिशन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए फतह करने के लिए हम कटिबद्ध है। इसी के साथ साथ हम लोग अपने पार्टी को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठ करके काम करेंगे और इसी के साथ हम लोग 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्या लगता है, आप दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीते हैं, क्या लगता है क्या काम अधूरे हैं जिसको आप पूरा करेंगे? हमारे कई काम चलते चलते हम लोगों का कार्यकाल शिकायत खत्म हो गया, उसमें प्रशासक नियुक्त हो गए। प्रशासक नियुक्त होने के बाद कुछ बाधाएं सरकार की आई और उसमें काम हम लोगों को कुछ परियोजनाएं थी, रास्ता नाली सड़क की, वो अधूरे रह गए, उसको हम लोग फिर दोबारा आगे बढ़ाएंगे और काम को। क्या बीडीसी प्रत्याशियों को प्रमुखता दे पाएंगे? क्या बीटीसी प्रत्याशियों को प्रमुखता दे पाएंगे? जैसे बिल्कुल, हमारे सदस्यगण हमारे मेंबर हैं और उन्हीं लोग के सहारे और उन्हीं लोग के क्षेत्र में काम करना है। जैसे हम भी एक बीटीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनके साथ ही हम लोग बैठ करके काम करेंगे, हर गांव में काम करेंगे, हर बीटीसी के लिए काम करेंगे, हर जनता के लिए काम करेंगे। इसी के साथ सभी क्षेत्रवासी ब्लॉकवासी धन्यवाद देंगे। आज आप कुल कितने मतों से विजयी हुए हैं और आपके शुभ चिंतकों उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक शुभ मुहूर्त है इससे 50 देसी दुनिया के लिए, ब्लॉक प्रमुख पद का जो निर्वाचन हुआ है बहुत ढंग से निर्वाचन हुआ है। जो इसकी पहले अनेक प्रकार की आशंकाएं बनी रहती थी क्षेत्र के अंदर कि लोग सादा उठा लेते हैं, गर्व कर लेते हैं, लेकिन पहली बार इससे 50 के सदस्यों ने सिद्ध कर दिया मानवता और ईमानदारी के साथ में। बाकी इस बार आप अनोखा क्या करना चाहेंगे? इस बार अनोखा करना ही चाहेंगे, दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और प्रयास किए थे कि अधिक से अधिक कार्य ब्लॉक के अंदर हो और ईमानदारी पारदर्शिता के साथ कार्य हो। आपको क्या लगता है इस गांव में क्या अभी अधूरे हैं जो जिसको पूरा करेंगे? अधूरे कार्य हैं, उन कार्यों को पूरा किया जाए और अधिक से अधिक जनहित के लिए जो कार्य बन सकेगा वो कार्य किया जाएगा और पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ। ये आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि हम लोग प्रयास करेंगे कि कहीं जो भी सामाजिक कुर्तियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जितना प्रयास करेंगे कि उसको अधिक से अधिक उसको दूर करने का। लेकिन लोगों का कहना ये रहता है कि जो बीडीसी प्रत्याशी जो जीतते हैं उनका गांव के विकास में कोई महत्व नहीं रहता। नहीं, ऐसा इसको कहाँ तक आप उतारे? ऐसा नहीं है, मैं उदाहरण स्वरूप में हूँ कि मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य पहचान हुआ था। आप मेरे गाँव पकड़ी में स्थिति देख लीजिए, आस पास जो हमारे संपर्क जो लोग थे, जो घनिष्ठ अन्य जगहों में जाके देख लीजिए कितना कितना विकास कार्य हुआ है। आप मौके पर जाके देख लीजिए, गाँव को सार बनाने वाले में से हमारे ही नहीं, आप सब देखे मौके पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ईश्वर की कृपा है कि कुल 45 मत हम लोग को मिला है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय सिंह तिवारी है, मेरी पुत्र वधु प्रज्ञा तिवारी चुनाव जीती है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।